हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास ऑफ सिक्स ग्रेड। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी प्रिपरेटरी नंबर 3 है। ओके, लेसन नंबर 7 और आज हम करेंगे लेसन नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन नंबर 7, साइकिल की सवारी। शब्द अर्थ है हमारे प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होते हैं? भाग्य। गुर, अत्यंत अच्छी युक्ति। तसल्ली, आश्वासन। अल्टीमेटम, अंतिम चेतावनी, लास्ट वार्निंग जिसको बोलते हैं। धारणा, विचार या सोच। युक्ति, उपाय। नामुराद, अभागा। इल्जाम, दोष। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साइकिल चलाने की विद्या से समय डैश है और हारमोनियम बजाने से समय डैश है। मीन्स साइकिल चलाने की विद्या से समय बचता है और हारमोनियम बजाने से समय कटता है। यही तो सारा गुर है, मीन्स अच्छी युक्ति है इस लोहे की सवारी का। हम चाहते थे कि घर में किसी को डैश खबर न हो, कानों कान खबर, कि किसी को पता ना चले और हम साइकिल सवार बन जाए। किसी को हमारे ये ना पता चले कि मैं साइकिल चलानी सीख रहा हूँ, क्योंकि साइकिल की सवारी में क्या क्या स्टोरी थी कि उसको साइकिल चलाने का उसको एक्साइटमेंट हो रही थी, साइकिल चलाने की इच्छा हो रही थी उसको कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ। ठीक है, यहाँ पर आएगा मामला। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान डैश से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किससे किया था जने? श्रद्धा से। कोई डैश पुरुष, कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। तो ये आपके रिक्त स्थान है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। हमारे लेखक की पत्नी ने उन्हें साइकिल चलाना सीखने से रोकने की कोशिश क्यों की? क्यों की थी उसने? क्योंकि उसको पता था कि वो चलाना नहीं सीखेगा। पढ़ लेते चलो। लेखक की पत्नी ने उन्हें साइकिल चलाना सीखने से रोकने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि लेखक कभी साइकिल चलाना सीख जाएंगे। मीन्स उसको उसको लगता ही नहीं था कि वो कभी चलाना सीखेंगे या नहीं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि मत चलाना सीखो, चोट भी लग सकती है क्योंकि, है ना। नेक्स्ट, लेखक का पहला दिन बेकार क्यों गया? क्योंकि जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहनकर वह साइकिल सीखने निकल पड़ा था और इससे सभी लोग उस पर हंस रहे थे कि वो उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी साइकिल चलाने सीखने की, तो वो जल्दी जल्दी में पैजामा और अपने अचकन घर पर ही भूल गए थे। ठीक है, इसलिए सारे लोग उसको देखकर हंस रहे थे कि उसने पैजामा नहीं पहना हुआ था। नेक्स्ट है, फीस की बात सुनकर भी लेखक को दुख के बदले प्रसन्नता क्यों हुई? लेखक को प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि वह मन ही मन सोचने लगे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। उसको कि उसने साइकिल चलाने की सीखने की फीस सुनकर क्यों प्रसन्नता हुई थी? यहाँ तो उनको दुख होना चाहिए था ना कि फीस इतनी ज़्यादा है, पर उसने मन में क्या किया कि चलो मैंने तो एक ही बार फीस देनी है, बट अगर मैं अच्छी तरह से सीख जाऊँगा तो मुझे उसका डबल फ़ायदा होगा क्योंकि मैं उससे ट्रेनिंग सेंटर खोल लूँगा और फिर वहाँ पर साइकिल चलानी सिखाया करूँगा सभी को और वहाँ पर हमारे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लेखक के झूठ की पोल किस प्रकार खुल गई? लेखक साइकिल चलाते हुए एक तांगे से टकराकर उसके नीचे आ गया और बेहोश हो गया। दुर्भाग्य से उस तांगे में उसकी पत्नी और बच्चे थे और उन्होंने यह सब कुछ देख लिया था। कैसे खुली थी? कि वो साइकिल चलाते चलाते जब वो गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, तो जिस तांगे से वो टकराए थे उसमें उसकी पत्नी और बच्चे थे, उन्होंने उसको देख लिया था कि वो हमारे ही हैं जो हमारे टांगे से टकरा कर गिर गए हैं, तो इसलिए उनको पता चल गया था, इसलिए उनकी झूठ की पोल खुल गई थी। लॉन्ग क्वेश्चन है, साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारियाँ की? क्या क्या तैयारियाँ की थी उसने? साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने फटे पुराने कपड़ों को सिलवा कर तैयार कर लिया। क्यों किया था? क्योंकि अगर वो अपने नए कपड़े पहनता या अपने नॉर्मल कपड़े पहनता
तो वो गिरने के बाद उस वो फट सकते थे, इसलिए उसने क्या किया कि मैं फटे हुए को ही यूज़ कर लेता हूँ कि अगर वो दोबारा मैं गिरने के बाद फट गए तो उससे मुझे कोई दुख नहीं होगा, और अगर चोट लग गई तो उसके लिए जंबक भी खरीद लिए, साथ ही साथ पड़ोसी से साइकिल भी मांग ली थी। तो उसने क्या किया था, साथ वाले से साइकिल भी ले ली थी, और मीन्स उसने सारा का सारा अपना कोई ऐसा सामान यूज़ नहीं किया कि जिससे उसका फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका लेसन नंबर 7। नेक्स्ट है आपका लेसन नंबर 8, मेरा बचपन। इसके शब्दार्थ देख लो, सफ़र यात्रा, नफ़रत घृणा, तारीफ प्रशंसा, पैबंद थेकली, या फिर फटे हुए कपड़ों पर दूसरे कपड़ा सिला हुआ, अर्जी प्रार्थना पत्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनी परिवारों के बच्चे अपनी माँ को डैश में ही देख सकते थे। किस में देख सकते थे? वो रात में, क्योंकि दिन में तो वो उनके माता पिता काम करते थे और रात में ही उनसे मिल पाते थे वो। ब्रजेश्वर डैश के मामले में बहुत कठोर था। किसके मामले में? छुआछूत के। ठीक है, कि अगर मैं किसी को छूऊंगा तो कोई बीमारी ना लग जाए। रविंद्र अपने पिता की डैश संतान थे। कौन से नंबर के संतान थे? वो 14th नंबर के। ठीक है, पहले ही दिन बालक रविंद्र को स्कूल से डैश हो गई। क्या हो गई थी इसको? नफरत हो गई थी, क्योंकि वो एक बंद कमरे में कभी उसने बैठकर पढ़ा ही नहीं था, वो खुले अपने घर पर खुले आंगन में पढ़ता था, तो उसको एक जगह बैठकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसको नफरत हो गई थी। मुंशी जी से छुट्टी के लिए डैश लिखवाने की विनती करता। क्या लिखवाने की? अर्जी लिखवाने की, पत्र लिखवाने की। ठीक है, जब मैं 12 वर्ष का था मेरा डैश किया गया। क्या किया गया था? उपनयन संस्कार। जब वो 12 वर्ष का था क्या किया था उसका? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कौन सा होता है? उपनयन संस्कार होता है उसमें केसरी वस्त्र पहने जाते हैं और सिर मुड़वाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे उसको। ये आपके समास है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न, नौकर बालक रविंद्रनाथ को जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर क्यों खींच देते थे? क्यों खींच देते थे वो? जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो वह बालक को जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर लकीर खींच देता और कहता, छोटे मालिक इसके बाहर नहीं निकलना। वो क्या करता था, जैसे नौकर को कुछ काम होता तो उसको बाहर जाना पड़ता था, तो वो अंदर मीन्स एक लकीर खींच देते, जैसे कोई लाइन लगा देते थे कि इसके बाहर, उनकी लिमिट बना देता था जगह की कि उसके बाहर मत जाना, तो वो ऐसे ही बैठे रहते थे। ठीक है, सत्य रेलगाड़ी के बारे में बालक रविंद्रनाथ को क्या समझाता था? क्या समझाता था वो? सत्य बालक को समझाता था कि रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है और वह लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। मीन्स वो उनको उसको डराता था कि रेलगाड़ी में कभी मत बैठना, क्योंकि ये तो एक रेल का, ये तो एक मौत का फंदा होता है, ये तो बंदे को मीन्स मनुष्य को मार देती है, इधर उधर फेंक देती है। ठीक है, वो इसलिए वो डरता भी था। लेखक को स्कूल से नफरत क्यों हो गई? क्योंकि क्या हुआ था, लेखक को स्कूल से नफरत इसलिए हो गई क्योंकि उसे प्रकृति और आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। उसे अभी मैंने पहले बताया था क्यों नफरत हुई थी, क्योंकि उसको बंद कमरे में नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपने घर पर खुले जगह पर बैठकर पढ़ना पसंद करता था। इंग्लैंड जाते समय रविंद्रनाथ ठाकुर जहाज के डेक से अचानक क्यों हट गए? आंसर है, रविंद्रनाथ उदासी में यह सोच रहा था कि वह अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था, इसलिए वह अचानक पीछे हट गया। उनको क्या लग रहा था कि वह अब वो क्योंकि कहीं और जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था ना अपना देश छोड़कर, तो वो उसको क्या लग रहा था कि मैं अपना सारा बचपन पीछे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो उदास था। ये बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है हमारे दीर्घ उत्तरीय। लेखक की शिक्षा दीक्षा के बारे में लिखिए। आंसर है, लेखक की शिक्षा घर पर ही हुई क्योंकि वो घर पर ही पढ़ता था। उसे घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला और संगीत सिखाए गए। उसे रामायण और महाभारत से बहुत लगाव था। लेखक को कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। बाद में उसे प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की भी रुचि जागी। उसको क्या हुआ था,
सारे ही जो सब्जेक्ट से विषय थे सभी घर पर ही सिखाए गए थे। उसे रामायण महाभारत में भी शौक था पढ़ने का, कविताएं लिखने का भी शौक था, और बाद में बांग्ला पुस्तकों को भी पढ़ने का शौक पैदा हो गया उसके अंदर। उपनयन संस्कार क्या होता है? लेखक किस बात से परेशान था? उपनयन संस्कार में केसरिया कपड़े पहनकर सिर मुड़वाया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता है, इसलिए संस्कार के बाद लेखक परेशान था कि वह मुंडे सिर के साथ स्कूल कैसे जा पाएगा। वो संस्कार हो गया था उसका, ठीक है। उसके बाद उसको ये लगता था कि मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि उसके बाल सारे काट दिए गए थे तो उसको जाने में शर्म आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ ठाकुर के अपने पिता से कैसे संबंध थे? कैसे थे लेखक के अपने पिता से संबंध? पहले तो बहुत कुछ खास ठीक नहीं थे, परंतु उनके साथ यात्रा पर जाने से लेखक को उसके अपने पिताजी का नया ही रूप देखने को मिला। वह लेखक को शांति निकेतन अमृतसर लेकर गए, वहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत निकट आ गए थे। इसमें क्या हुआ था, आपको याद होगा कि वो पहले थे वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट एक बार वो यात्रा पर उसको अपने साथ ले गया था, उसके जो पापा थे उसको अपने साथ लेकर गए थे, और वहाँ पर उनके संबंध कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे पहले से, ठीक है। तो ये थे आपके दो चैप्टर्स, आपके कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। थ्री चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, थ्री की थ्री की प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स आपको सेंड कर दी गई है, तो अच्छे से लर्न करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।